मेरा नाम है जिज्ञासा। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में या थंबनेल पे आपने कुछ पिक्चर्स देखी हैं जिसमें लग रहा है कि मैंने अपना वेट लॉस किया है, तो जो मैंने अपना वेट लॉस किया है वो है 15 केजीज़। लेकिन 10-12 केजीज़ का फ़र्क तो आप लोग को ऐसे पता चल रहा होगा देख के, पिक्चर्स देख के। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैंने अपना वेट लॉस किया है, मेरा पूरा रूटीन क्या था, डाइट क्या थी, मैं क्या खाती थी, क्या पीती थी, सब कुछ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही जब भी मैं स्कूल में या कॉलेज में थी, आई वॉज नेवर ऑन द लीनर साइड। कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पतली थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत मोटी थी, मतलब ओबीस्ट में नहीं, ओबीस्ट नहीं थी, आई वॉज फैट बट नॉट ओबीस्ड। तो हमेशा 63-64 आई गेस इतना रहता होगा, कभी चेक नहीं किया। तो ये इतना वेट रहता होगा, 63-64 या 62, इस सब रेंज में मेरा वेट था। आफ्टर मैरिज मैंने थोड़ा सा वेट कम किया था। मैं आपको एक पिक्चर्स यहाँ कहीं शेयर करूँगी। ये जो पिक्चर है ये है मेरा कंसीव करने से कुछ टाइम पहले की, मे बी 1 month पहले की। तो इस टाइम फिर भी मेरा वेट थोड़ा कम था, बट कंसीव करने के बाद और डिलीवरी के बाद, डिलीवरी से पहले एक दिन पहले मेरा वेट था 73 केजीज़, और डिलीवरी के बाद फिर बेबी वेट के बाद और वाटर वेट के बाद मेरा वेट आ गया था 65 के अराउंड। बट उसके बाद फिर आप रेस्ट करते हैं, खूब सारा खाना खाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में मेरा वेट मुझे पता ही नहीं चला कि इतना इंक्रीज़ हो गया, तक कि वो प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा हो गया। तो मेरा वेट जो हाईएस्ट गया वो 75 था, लास्ट ईयर 2019 में जून के आसपास वो था 75 केजीज़। उसका भी मैं पिक्चर कहीं शेयर कर दूँगी। तो ये मेरा हाईएस्ट वेट था 75 केजीज़, जो कि बहुत था, 74 के अराउंड था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए वेट लॉस जर्नी, बट वो ऑन एंड ऑफ रहा, कभी कर पाई कभी नहीं कर पाई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई या कभी कहीं ट्रैवल करना पड़ गया, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रही मेरे वेट लॉस में। बट स्टिल उस ड्यूरेशन में मैंने अपना 2-3 किलो कम किया था। बट दिस ईयर जनवरी में मैंने डिसाइड किया था कि इस साल तो मैं अपना वेट लॉस करके रहूँगी, फिट होऊँगी, इस साल मेरा एक टारगेट था इस ईयर का। तो जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है, और अप्रैल लास्ट और मई, हाँ अप्रैल लास्ट आते आते आई वॉज 58-59। तो अभी मेरा जो करंट वेट है वो 58.99 या 58.50, 58 और 59 के रेंज में मेरा वेट रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो 5 मेजर पॉइंट्स की कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है शुगर। शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना। बहुत सारे मैं ऐसे रिसर्च करती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, जो सबसे एक मेजर पॉइंट, कॉमन पॉइंट था वो था शुगर। शुगर इज़ लाइक अ वाइट वाइट पॉइजन टू एनीवन। ऐसा नहीं है कि अगर आप फैट हैं तो ही शुगर आपके लिए पॉइजन है, किसी के लिए भी शुगर इज़ नॉट गुड। हमेशा से मीठा मेरे लिए, मैं मतलब आई वॉज स्वीट अडिक्ट, मुझे क्रेविंग हमेशा मीठे की होती थी। हमेशा से एक चॉकलेट का पैकेट या कुछ भी मीठा, इनफैक्ट प्लेन शुगर भी मुझे अच्छी लगती थी, प्लेन शुगर भी मैं हाथ में लेकर खा सकती थी, इतना मुझे मीठा पसंद था। तो उसको हटाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। तो मेरी आदत थी सबसे पहले चाय पीने की सुबह उठते ही, उसको मैंने पहले कट ऑफ किया है। अब मैं चाय पीती हूँ बट वो जैगरी के साथ होता है, तो उस टाइम मैंने चाय बिल्कुल ही छोड़ दी। अगर मुझे कभी चाय पीनी भी पड़ी, हमेशा इवनिंग में पीती थी, तो उसमें जैगरी के साथ मैंने चाय पी है। तो सबसे पहला हो गया शुगर। शुगर को टोटली रिप्लेस कर दो या टोटली अवॉइड कर दो। मैंने दही के साथ शुगर खाना छोड़ दिया, मैंने मिल्क के साथ शुगर खाना छोड़ दिया, हल्का फुल्का जैगरी में ऐड करती थी। शुगर, सिर्फ शुगर छोड़ने से मैंने बहुत इफ़ेक्ट देखा है। ये हमेशा से सबको पता रहता है कि शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट उसको ना छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। बट एक बार आप छोड़ देंगे ना, तो उसके आप इफ़ेक्ट यूं ही देख सकते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मेरा आता है वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था अपनी डाइट में,
थोड़ा बहुत मैं कट ऑफ करने लग गई हूँ अपने खाने में, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग जब शुरू में ना, मतलब पहले जब मैं खाती थी खाना, तो हम ध्यान नहीं देते थे कि हम कितना खा रहे हैं, अपनी भूख से ज़्यादा खा रहे हैं, अपनी जितनी आपको ज़रूरत है, आपको एनर्जी की, उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। टीवी देखते टाइम खा रहे हैं, मोबाइल चलाते टाइम खा रहे हैं, तो 3 रोटी 4 रोटी खा लिया। अगर पिज्ज़ा ही खा रहे हैं तो पूरा एक मीडियम पिज्ज़ा गया पेट के अंदर, पता भी नहीं चलेगा कि कितनी कैलोरीज आपने इंटेक कर ली है उस पिज़्ज़ा से। या कुछ मीठा ही खा रहे हैं तो एक साथ कितना सारा मीठा खा लिया, चॉकलेट का एक पूरा पैकेट खा लिया। तो इस सब का बहुत इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो वो रोटी मेरी 1 से 2 रोटी या 3 रोटी मैक्सिमम जाती है। और बाहर का खाना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, अवॉइड किया हुआ है टोटल का खाना, बाहर का खाना। तो इसके साथ ही आता है मेरा तीसरा पॉइंट, जो है अवॉइड आउटसाइड फूड। तो पहले हम लोग वीक में एक बार, वीक में 2 बार, ये तो हमारा रूटीन था कि हम बाहर खाना खाने जाएंगे। बट इस साल से, वैसे भी इस साल कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है इस कोरोना सिचुएशन की वजह से, कि आप बाहर का खाना आप अभी नहीं खा रहे हैं, तो ये बहुत एक तरीके से हेल्प है। तो हमने वैसे भी बाहर की चीज़ें को कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है किसी को नहीं पता, कितना ऑयल यूज़ किया है, कितना शुगर यूज़ किया है, तो उससे बहुत हेल्प मिली है। अगर मुझे कुछ ऐसी क्रेविंग भी होती है तो मैं खुद से कुक करती हूँ, खुद को आइडिया रहता है कि हम क्या कुक करें, उसमें किस क्वांटिटी में कितनी कैलोरीज हम डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाहर के खाने को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप कट ऑफ नहीं कर सकते हैं तो कभी कभी चलता है, वीक में एक बार, वीक में 2 बार, 2 वीक्स में एक बार तो चलेगा, लेकिन लिमिट में होना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल के साथ। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट मेरा आता है, फोर्थ पॉइंट है, वो है डिनर। डिनर मैं हमेशा से, मतलब अभी 5-6 महीने से, मैं अपना डिनर 7 बजे से पहले पहले कर लेती हूँ। कुछ भी हो जाए, 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैक्सिमम 7 जाता है, 6 7 6 7, इसके पीछे मेरा डिनर होता है। डिनर में वही सेम, एक रोटी 2 रोटी चपाती दाल, जो भी दिन का बचा हुआ हो, या फिर वैसा ही घर का खाना जो होता है वो डिनर का होता है। वेदों में भी कहा गया है, इवन हर रिलीजन में आई गेस कहा गया है कि आप सूर्यास्त के बाद ना खाएं, क्योंकि उसके साथ, सूर्यास्त के बाद के साथ साथ आपका जो डाइजेशन है, आपका मेटाबॉलिज्म है, वो लो होने लगता है। तो ये सच है, इसकी वजह से रात को आप खाना छोड़ देंगे, मतलब लेट इवनिंग्स में आप डिनर 7 से पहले कर लेंगे, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, हर चीज़ पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मेरा होता था कि डिनर, अब भी मैं 6 बजे के बाद अब मैं नहीं करती हूँ, अब आदत सी हो गई है, क्योंकि अब 7-8 बजे के बाद कोई खाना पूछेगा भी तो इच्छा नहीं होती है खाने की। तो उसके बाद जो मेरा एक मेन पॉइंट आता है, वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं काफ़ी टाइम से सुनती हुई आ रही थी। पहले लगता था कि ये भी कोई एक फॉर्म है, जैसे कीटो है, पेलियो डाइट है, जीएम डाइट है, उस टाइप में कोई डाइट है, बट ये डाइट नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल पैटर्न है। इसको आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए, जो मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, अब उससे बहुत हेल्प मिलती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप 16 आवर्स का फास्ट रखते हैं और 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो होती है। तो मेरा 16 आवर्स का फास्ट होता है, जैसे मैंने लास्ट डिनर मान लीजिए 7 बजे किया है, तो मेरा जो अगला फूड होगा वो सीधे 12-1 बजे के करीब होता है। वैसे भी बीइंग एन होम मेकर उतना टाइम नहीं मिल पाता है आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि बेबी के साथ लगना, फिर घर के काम, क्लीनिंग, कुकिंग, इन सब में वैसे भी नहाओ पूजा करो, इन सब में वैसे भी 12 बज ही जाते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट लंच होता है, जो फर्स्ट मेरा फूड जाता है बॉडी को, वो है 1 बजे के करीब जाता है। तो मेरा ये पूरा 16 आवर्स का ना एक फास्टिंग साइकिल है। तो इस फास्टिंग साइकिल में मैं कुछ नहीं पीती हूँ, अभी थोड़ा सा चाय पीती हूँ, वो भी जैगरी के साथ। और जब मैं डाइट पे थी, जब मैं प्रॉपर वेट लॉस जर्नी पे थी, उस टाइम मैं वो भी नहीं लेती थी, ब्लैक कॉफ़ी लेती थी मॉर्निंग में। तो ये जो साइकिल है, पूरी जो फास्टिंग साइकिल है, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, इससे आपकी कैलोरीज, आप कैलोरीज इंटेक कम हुए तो कैलोरीज बर्न ज़्यादा होगी। बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप
ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए, आप डिनर को स्किप कर सकते हैं, आप 4 बजे के बाद कुछ मत खाइए, फिर अगला सीधे 9-10 बजे खाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद जो मेरा मेन फिफ्थ पॉइंट आता है वो है, जो लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। वैसे लोग कहते हैं कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज का है, ट्रू है, बट एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी बॉडी टोन, एक शेप मिलता है, एक टोन टोन अप होती है आपकी बॉडी, तो जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो यू कैन स्टार्ट विथ वॉक। मैंने भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वॉक किया था, 20 मिनट 30 मिनट वॉक आप कर सकते हैं डेली। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही आप एक रूम से दूसरे रूम में या बैल्कनी में अपने टेरेस पे कहीं पे भी वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। आप योगा भी ट्राई कर सकते हैं। अभी वैसे मैंने योगा उतना ज़्यादा, मैं इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ योगा में, बट कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत योगा करने की। योगा से फिजिकली फिट होंगे, मेंटली भी फिट होंगे। एक्सरसाइज मैंने रिलीजियसली फॉलो किया इस पूरे 4-5 महीने में। 30 मिनट का एक्सरसाइज मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बट अभी थोड़ा सा नहीं हो पाता है क्योंकि हाउस हेल्प नहीं है घर पे, तो जितना भी वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इस वजह से मैं वो टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत वॉक भी करके मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँ अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से एक्टिव रहूँ। वैसे भी घर के इतने जो क्लीनिंग, कुकिंग, मॉपिंग, इन सब से भी थोड़ा एक्सरसाइज होता है, तो उस टाइम में 30 मिनट तो पक्का मेरा होता था। इसमें मैं एक वीडियो फॉलो करती थी, एमी वॉन्ग फिटनेस यूट्यूबर हैं जो कि अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती हैं, काफ़ी मोटिवेट करती हैं, तो मैं उनके वीडियोस फॉलो करती थी, उनका वीडियोस चला देती थी और उनके साथ साथ मैं वो रिपीट करती थी वो जो कर रही हैं, तो उससे बहुत अच्छा फील आता था, एनर्जेटिक फील करते थे, पूरा स्वेट हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था, तो वो बहुत हेल्प किया है, उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। वो सब कार्डियो भी करती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी वो उनका होता है, तो मैं वो सब करती थी। कार्डियो HIIT मेन करती थी मैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, उस पर मैंने फोकस किया है। बट अभी अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि फैट लॉस मैं कर चुकी हूँ, थोड़ा 4-5 केजीज अभी डाउन और जाना है, इसके लिए मैं थोड़े 15-20 दिन के बाद वापस स्टार्ट करूँगी, तो उस टाइम मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़्यादा जोर दूंगी, क्योंकि फैट लॉस ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत है, लाइक 5 केजीज एज आई टोल्ड यू कि 5 केजीज और डाउन करना है। उसके बाद मैं स्ट्रेंथ की तरफ, मसल्स गेनिंग की तरफ जाऊँगी, जिससे कि आपको प्रॉपर टोन आती है, पूरा बॉडी में अच्छा एक लुक अच्छा आता है पूरा आपकी बॉडी के साथ, तो वो एक मेरा ड्यू है। तो ये मेरे 5 पॉइंट्स थे। अब मैं आपको शेयर करूँगी अपना रूटीन, जैसे मेरा क्या था पूरा, खाने का रूटीन क्या होता था। तो मॉर्निंग में मैं 7 बजे उठती थी, उसके बाद मैं सबसे पहले पानी पिया 2 ग्लास, उसके बाद मैं डिटॉक्स ड्रिंक लेती थी। डिटॉक्स ड्रिंक में मेरा ये जीरा, अदरक, ये सब डाल के मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक तैयार करती थी। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी किसी भी आने वाले वीडियोज़ में। तो ये डिटॉक्स ड्रिंक मेरा होता था। उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, 10 बजे 11 बजे ब्लैक कॉफ़ी एक पी लिया। उसके बाद फिर सीधे 1 बजे मेरा लंच होता था, तो लंच में 2 रोटी या कभी कभी 3 भी चलता था, 2 से 3 रोटी, दाल, सब्ज़ी, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या सब्ज़ी कोई भी, उसके साथ फिर रायता और सैलेड, मतलब एक प्रॉपर मील होता था जिससे कि आपको अच्छी खासा कैलोरीज आप इनटेक करें, हेल्दी कैलोरीज आप इनटेक करें। उसके बाद फिर 3-4 बजे के करीब मेरा होता था, कुछ भी फ्रूट खा लिया या ड्राई फ्रूट ले लिया, कोई भी फ्रूट चलेगा, सीजनल फ्रूट, कोई भी फ्रूट, कोई भी ड्राई फ्रूट, इवन कैशू, काजू भी चलता था, बनाना भी चलता था, ये ले लिया। और उसके बाद फिर चाय के साथ 5 बजे करीब मैंने कोई डाइजेस्टिव बिस्किट ले ली या कुछ रोस्टेड चना, मुरमुरे, इस टाइप का कुछ ले लेती थी। और फिर डिनर में मैं वापस से वही 1 से 2 रोटी, दाल, सब्ज़ी, दही या दूध, ये सब मेरा चल, ये सब हल्का फुल्का डिनर करती थी, मतलब कि हाँ आपने लंच में 2 रोटी खा ली, फिर रात को 2 रोटी खा ली, तो वो बहुत है इतना, आपकी इससे ज़्यादा नींद नहीं होती बॉडी को। तो ये मेरा रूटीन होता था। उसके बाद सोने से पहले मैं या तो मैं ACV वाटर, एप्पल साइडर विनेगर या फिर ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी अभी हम ज़्यादा पीते हैं क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो इन दोनों में से कोई से भी एक ड्रिंक मैं लेती थी अल्टरनेट डे पे।
जो कि अभी भी लेती हूँ। तो ये मेरा रूटीन होता था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉपर खाने का एक तरीका होता है, जिससे कि आप डाइट ना भी करें, अगर आप ढंग से कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पर आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, जिसका एक प्रॉपर वे है ईटिंग का, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर वो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 1 महीने के लिए वो करें, वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर वो आप करेंगे तो उससे बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ पे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो ये था मेरा वीडियो, आप लोग को पसंद आता है तो सब्सक्राइब